न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बैरोड के चहुमुखी विकास के संकल्प का सपना भाई बलवान सिंह यादव है आपका अपना। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास होगा आम जन का सम्मान तभी तो बढ़ेगा राठ का मान। निवेदक संतोष यादव प्रधान नीम राणा। लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का जीपीएस स्कूल भगवाड़ी रजिस्ट्रेशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 10+2 कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन एससी एसटी एनटी एससी एवं ओलंपियाड्स तथा कक्षा 11 के साथ फाउंडेशन नीट जेईटी की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा सीकर एवं जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी जीपीएस स्कूल में। तमाम भौगोलिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय जहां अब आपको मिलेगी आरआईएमसी सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी वह भी टॉप फैकल्टी के द्वारा एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। अब आपके सितारे भी चमकेंगे जीपीएस के साथ तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने क्योंकि सर्वश्रेष्ठ परिणाम के साथ बच्चों का करवाते हैं सर्वांगीण विकास। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव प्रिंसिपल योगेश शर्मा नारनौल रोड भगवाड़ी बहरोड। नमस्कार आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड सरकार सर्दी से सरसों की फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे के लिए शीघ्र कार्रवाई शुरू कर किसानों को राहत देने का काम करे। यह बात भाजपा जिला मंत्री डॉक्टर नीलम यादव ने रविवार को जनसंपर्क अभियान के तहत ग्राम नांगलिया डिश सहित अनेक गांवों में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कही। डॉक्टर यादव ने कहा कि सर्दी में सरसों की फसल से 50-90% नुकसान हुआ है जिससे किसान सदमे में है। सरकार उनको राहत देने के लिए पूरा सर्वे करवाए। इस दौरान ग्रामीण जनों ने बैठक कर क्षेत्र की समस्याओं के बारे में चर्चा की जहां पर गांव में बिजली कटौती पानी की समस्या सड़कों की खस्ता हालत आदि समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान पूर्व सरपंच कैप्टन मामचंद यादव पूर्व सरपंच धोलाराम बूथ अध्यक्ष सुनील यादव उपाध्यक्ष संदीप सहित अनेक लोग मौजूद रहे। होटल आमबाग होटल है पर अलग सा। दिल्ली जयपुर NH 48 पनियाला मोड़ के समीप होटल की खास पहचान ऑर्गेनिक सब्जियां जो अपने ही बाग में उगाकर ग्राहकों की सेहत का रखते हैं विशेष ध्यान। बेहतरीन लोकेशन पर बना होटल आमबाग जिसमें प्योर वेजिटेरियन मोदी नगर की प्रसिद्ध जैन शिकंजी शानदार लग्जरी रूम फास्ट सर्विस एवं टावल्स का फैक्ट्री आउटलेट। इतना ही नहीं सुप्रसिद्ध विश्वजीत थाली जो 8 लोगों के लिए है पर्याप्त जिस पर आपको मिलेगा 30% डिस्काउंट। होटल आमबाग में होटल इंडस्ट्री के जाने माने नाम श्री वीके शर्मा जी जिनकी मजबूत लीडरशिप एवं संजय यादव जी जो बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं जिनके द्वारा हाईवे पर कई ब्रांड स्थापित किए जा चुके हैं जो आज शानदार नाम कमा रहे हैं। तो आप भी आइए और शुद्ध एवं स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाइए। शुद्धता और स्वच्छता ही हमारी प्राथमिकता है। बैरोड क्षेत्र के हमजापुर गांव पहुंचे प्रधान प्रतिनिधि वस्त्राम यादव। इस दौरान ग्रामीणों ने वस्त्राम यादव का फूलमालाओं द्वारा भव्य स्वागत किया। साथ ही वस्त्राम यादव ने ग्रामीणों की मांग पर अंबेडकर भवन के जीर्णोद्धार के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की जिस पर ग्रामीणों ने प्रधान प्रतिनिधि का आभार व्यक्त किया। इस दौरान पूर्व सरपंच श्योताज यादव नवीन यादव मुकेश यादव नथुराम चले सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। भूल न जाना सुख सागर का खाना एक फोन पर आपके घर पर खाना। होम डिलीवरी के साथ सुख सागर आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन खाना वो भी अनोखे स्वाद के साथ स्पेशल लोनी घी के पराठे। आप भी चले आइए अपने परिवार के साथ होटल सुख सागर जहां बेहतरीन क्वालिटी का खाना उपलब्ध है। इतना ही नहीं प्योर वेजिटेरियन के साथ होम डिलीवरी की भी सुविधा। संपर्क करें 8003993497 9919185212। बैरोड क्षेत्र के जैनपुरवास गांव में देव महाराज एवं हीरालाल महाराज की मूर्ति स्थापना में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कलश यात्रा निकाली। यह कलश यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होती हुई मंदिर परिसर तक पहुंची। वहीं कार्यक्रम के दौरान कलाकारों द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुति भी दी गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाबा के प्रति लोगों में अटूट श्रद्धा का अभाव है। प्रत्येक ग्रामीण बाबा के मंदिर में आस्था से भरकर सहयोग प्रदान करते हैं। वहीं हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में माथा टेक मन्नत मांगी। इस दौरान रामकुमार रावत भगत माड़ाराम सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अब आपके शहर बहरोड में खुल गया है मोम्स किचन। जीभ का स्वाद ऐसा कि एक बार खाओगे तो चाटते रह जाओगे। 100% प्योर वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट लंच डिनर बेकरी सहित सभी प्रकार के फास्ट फूड एवं स्पेशल लाजवाब थाली। पता नारनौल रोड नियर MS कलर लैब बहरोड।
मुंडावर उपखंड के सोडावास के पदमाड़ा कला में 8वीं देवनारायण क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ पीसीसी सचिव ललित यादव के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस मौके पर युवा अतिथियों और ग्रामवासियों ने ललित यादव को खेल मैदान से जा रही बिजली लाइन को हटाने की बात कही गई। वहीं यादव ने अधिकारियों से बात की और 2 से 3 दिन में समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान यादव ने खिलाड़ियों को गादवास के नितेश कुमार व जाट भगोला के जय भगवान का उदाहरण देते हुए अपने भविष्य को संवारने की बात कही। इस मौके पर जिला पार्षद भीमराज यादव, सूबेदार रघुवीर, हवलदार भूप सिंह, राम भरोस सहित अनेक लोग मौजूद रहे। माधव अस्पताल सर्जिकल एंटी डेंटल ट्रोमा एंड जच्चा बच्चा अस्पताल तमाम सुविधाओं से युक्त, जहां आरजीएचएस चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एमटीपीए के तहत निःशुल्क ऑपरेशन व भर्ती की सुविधा। इतना ही नहीं, आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे सहित प्राइवेट व सुपर डिलक्स रूम उपलब्ध। निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र यादव, प्रशासक नरेंद्र यादव, कुंड रोड, बहरो। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज, संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, MDS। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ, क्योंकि आप तक नेटवर्क का सीधा सरोकार है आपसे।